मऊ के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के चेले चपाटों पर यूपी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुख्तार के चेलों की काली कमाई पर यूपी पुलिस ने पहली किस्त की कार्रवाई कर दी है। पहले हिसाब मांगा गया, हिसाब नहीं मिला, फिर क्या था, हो गई कार्रवाई। जिन पर कार्रवाई हुई है उनमें पहला नाम किफायतुल्लाह का है, जिसकी 60 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। इसके अलावा हरविंदर सिंह जुगनू वालिया की 2,31,00,000 की संपत्ति को सीज किया गया है। कानपुर के बिकरो गांव में पुलिस टीम पर हुए हमले के बाद वैसे भी उत्तर प्रदेश पुलिस कुछ ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। ऐसे में मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्यों पर कार्रवाई तेज हो गई है। ये कार्रवाई मऊ जिलाधिकारी के आदेश पर हुई है। हाल ही में मऊ जिले के फुललपुरा गांव के रहने वाले किफायतुल्लाह पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगाया था। वह जुगनू वालिया की 5 लग्जरी कारें ऑडी, जगुआर, फोर्ड एडवेंचर, टाटा सफारी और रेट्स के साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर में 5,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट और निजी खातों में जमा पैसे भी जब्त किए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।